आप तमाम नाजरीन का टी एन टीवी न्यूज़ में खैर मकदम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर आज महबूब नगर के टिमरेज गर्ल्स कैंपस बॉयज़ कैंपस में अलल तरतीब यौम तालीम और यौम अखिलियती बहबूद मनाया गया। ज़िले अखिलियती बहबूद ऑफिसर शंकराचार्य ने इन प्रोग्रामों की सदारत की, जबकि बतौर मेहमान खसूसी इम्तियाज़ इसाक सदरनशीन रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, मोहम्मद अब्दुलरहमान मुजम्मिल सदरनशीन ज़रई मार्केट कमेटी महबूब नगर, ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा रुकन वक्त तहफ़्फ़ुज़ कमेटी, अब्दुल हादी एडवोकेट सदर ज़िले मजलिस, मोहम्मद हसन खान सीनियर ख़ायर टीआरएस, मकसूद बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, मोहम्मद तकी हुसैन तकी सीनियर जर्नलिस्ट, हाफिज इदरीस सिराजी इस्लामिक स्कॉलर ने शिरकत की। इस मौके पर इम्तियाज़ इसाक सदरनशी TSMFC ने मुल्क व कौम के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमात पर रोशनी डाली और कहा कि मुल्क में तेलंगाना हुकूमत ही वो वाहिद हुकूमत है जिसकी जानिब से मुसलमानों की तरक्की के लिए टिमरेस तालीमी इदारे जात को कायम किया गया। मोहम्मद अब्दुलरहमान मुजम्मिल सदर ज़रई मार्केट कमेटी ने मौलाना आज़ाद के इल्म व फिरासत, इनकी तख्लीक़ात तसनीफ़ात पर रोशनी डाली और मुल्क के लिए मौलाना आज़ाद की खिदमात को उजागर किया। इस मौके पर दिगर कायदीन ख्वाजा फ़याज़ुद्दीन अनवर पाशा, अब्दुल हादी एडवोकेट मोहसिन खान, खुद्दूस बिन अहमद जाकिर एडवोकेट, तकी हुसैन तकी, हाफिज इदरीस ने भी मुखातिब किया। इस मौके पर रीजनल कोऑर्डिनेटर टिमरेज मोहम्मद जमील, विजिलेंस ऑफिसर जमीर के अलावा दिगर प्रिंसिपल और असातिज़ा के अलावा तुलबा की कसी तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिमरेज स्कूल बॉयस वन में जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइशी दिन और माइनॉरिटी वेलफेयर डे मनाया गया है। टिमरेज के बच्चों के साथ आज बहुत से वक्त यहाँ पे हमने गुजारा है, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हिस्ट्री के बारे में बहुत से लोगों ने उनके एजुकेशन किस तरह से चला, उन्होंने कहाँ पर पैदा हुए और उन्होंने तालीम के लिए क्या किया, उन्होंने हिंदुस्तान के आज जितने भी इंस्टीट्यूट है, आज जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज़ है जो हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही तरफ से हैं, आज हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म के नाम पे अगर माइनॉरिटी को सेकुलरिज्म पे कहा जाए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ से कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सेकुलरिज्म के तौर पे हिंदुस्तान में रूल अदा किया कि आज हिंदुस्तान में हम मिलजुल के हैं तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ से हैं। क्योंकि आज टिमरेज में जो है सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख के जो है आगे बढ़ने के लिए हम जो केसिया साहब चाह रहे हैं कि टिमरेज के बच्चे पढ़ के जो है डॉक्टर बने, SP बने, कलेक्टर बने और कुछ बने, जो हमारे केसिया साहब का जो ख्वाब है, जो आज उन्होंने बुनियाद डाली है टिमरेज के नाम पर, ये आने वाले 10 साल के बाद जो है ये बच्चे जो उभर के जो है, अभी देखिए इस बार जो है पूरे तेलंगाना से जो है 4 बच्चे फ्री मेडिकल सीट्स लाए हैं टिमरेज के बच्चे, और कई बच्चे नासा में जा चुके हैं और कई बच्चे जो है गवर्नमेंट जॉब हासिल कर रहे हैं। ये बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे बढ़ के जो है अपने अपने वो तालीमी तौर पे जो है हासिल करके जो है जॉब्स हासिल करेंगे, अपना किरदार बनाएंगे, जो भी है टिमरेज के तौर पे जो है केसिया साहब का जो बड़ा कारनामा है, बहुत बड़ा कारनामा है, इसको जो है कौम सारी ज़िंदगी दुनिया जब तक कायम रहेगी जब तक केसिया साहब का कारनामा याद रखेगी टिमरेज के नाम पर। बहुत मोहसिन खान साहब का सभी का मैं शुक्रिया। आज़ाद साहब के बर्थडे पर यहाँ पर टिमरेज बॉयस वन की बिल्डिंग में आना बहुत खुशी की बात है। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि सबको लेकर चलना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब अपने कंट्री में इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से रहना ये कहकर थे, और फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर होने के हैसियत से उन्होंने जो पॉलिसीज फ्रेम की वो आज भी कोई हुकूमत नहीं बदल सकी ना बदल सकती। इंशाल्लाह वो जो फ्रेम किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो फ्रेम वो हमेशा एक सक्सेसफुल मॉडल रहा है। कई IITs कई इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ उनके पीरियड में सैंक्शन हुए थे जो प्राइमरी इंडिया में ज़रूरी थी एजुकेशन के लिए, वो आज भी बहुत ही टॉप इंस्टीट्यूट में से एक चल रहे हैं। और जो टिमरेज का कॉन्सेप्ट है 2014 में तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद जनाब KCR साहब ने वो कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया बच्चों को मुसलमानों को गुरबत से निकालने के लिए। एजुकेशन ही एक राइट ज़रिया है वो मानते हुए उन्होंने
एजुकेशन पे काम करने के लिए ये इंस्टीट्यूट्स बनाया है, इसका एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसमें दीन की तालीम भी दी जाती है, उर्दू भी सिखाया जाता है, कुरान भी सिखाया जाता है, नमाज भी पढ़ी जाती है और एजुकेशन भी इंग्लिश में जो स्टैंडर्ड्स है एक कॉरपोरेट लेवल के स्टैंडर्ड्स में एजुकेशन दी जा रही है। मैंने भी उसका कई बार इंस्पेक्शन किया, मुझे बहुत खुशी है, गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके चल रही है। मैं और जो मुसलमान बहुत सारे ये इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हैं जिसे ज़रूरत है ऐसी इंस्टीट्यूट्स की, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और कौम का भी मुस्तकबिल अच्छा करें और ख़ुद का भी मुस्तकबिल अच्छा करें। और मैं यहाँ पर और एक एक बात डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ये रेंटल जो सारे टिमरीज के बिल्डिंग्स पूरे रेंटल प्रीमिसेस है उसे ऑन प्रीमिसेस के लिए एक जगह का अलॉटमेंट किया है गवर्नमेंट की तरफ से और तकरीबन 120 करोड़ रुपये उसे सैंक्शन किया गया है। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जल्द से जल्द वो बिल्डिंग्स हासिल होकर एक अच्छा कैंपस जिसमें स्कूल हो, कई फैसिलिटीज़ हो, ऑडिटोरियम हो, ऐसा कैंपस आने वाला है। बच्चों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे ये इंस्टीट्यूट्स का फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया।